देखो इधर सर सर मैंने मिस भी, आप क्या करें सर? क्या बोल रहे हो? सर आप इसको सेव कैसे करें? किसको सेव करना है? करें एक्सेल शीट को क्या बोल रहे हो तुम यार? करें एक्सेल शीट को मैंने फिल कर लिया वो सर। सेव हो गया, तुमने लिख दिया, वो ऑटो सेव हो जाएगा। वहां से निकलो अभी, यहाँ क्लास करो आके, हो गया टाइम सेव। सर सर हमको डाउट है सर। सर हमको डाउट है। अरे यार तुम क्या हो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, डाउट नंबर बोलो, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ, करने दोगे मुझे क्या? थोड़ा पेशेंट तो हम रहो, मैं तो क्या सुन बोल रहा रहे हूँ हैं सर? ना। N75 निकालना है, क्या लिखूं? 45 + 30 और क्या? 10A + 10B ओवर 1 - 10A 10B 10 45 1 1/√3 ओवर 1 - 1/√3 जब हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1। रैशलाइज कर दिया, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 + 2√3, बॉटम a + b a - b 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 2 + √3 आएगा आंसर। जो और कुछ भी दिया है तो रॉन्ग है। हाँ सर मेरा 2 + √3 आया था सर। तो और कुछ दिया है तो रॉन्ग है। और बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 1 का वन का 19 हमको इसमें डाउट है कि सर सर जब सब करिए फिर हम बोलो, क्या डाउट है? तो इसमें डाउट है सर कि जब हम लोग ट्रायंगल हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनस 5 आएगा सर। हाँ फिर सर फिर सर हमको इसमें डाउट है कि सर फिर साइन थीटा क्या होगा सर? साइन थीटा तो कोसेक का उल्टा होता है, 12/13 हो जाएगा। कोसेक और फिर कॉस थीटा क्या होगा? उसमें डाउट है सर। थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होगा ना। तो कॉस थीटा हाइपोटेनस बाय फिर होता है। हाँ सर हो गया, और क्या चाहिए? इसमें तुम चाहो तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, पूरा हो जाएगा 2 sin थीटा बाय cos थीटा, आपका हो जाएगा 10 थीटा - 3/4 tan थीटा - 9। तो कॉस थीटा तो बेस बाय हाइट होता है, हाइपोटेनस होता है। हाँ 5/13। ओके सर। सिंप्लीफाई कर लो जो आएगा वो। यार सर 12 12 5। हाँ सर ठीक। मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया तो 10 बना रहे, नहीं तो यहीं पर चाहो तो प्लेस कर लो, क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर आप साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 12/13 है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 5/13 है। सर यहाँ चिपका दो जाके, एक ही बात है वैसे भी। तो देखो कहीं प्रॉब्लम है तो बोल। क्षितिज ठीक है बेटा? सर ये वाला सम समझ में नहीं आया। बोलो क्या प्रॉब्लम है? कोसेक थीटा का वैल्यू दिया तो मैंने ट्रायंगल बना लिया है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर होता है। ये 13 है, 12 है, तो ये 5 हो जाएगा ना। 13² - 12² सर इसके बाद इसमें मैंने किया कॉस से डिवाइड कर दिया, साइन बाय कॉस को 10 लिख दिया, 10 का वैल्यू डाल दिया। नहीं रखना है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पर साइन थीटा को रिप्लेस कर, साइन थीटा क्या? सर आपने 5 को जो यहाँ पे रखा, जो 5 था हाइपोटेनस है।
क्या बोल रहे हो सर? फाइव हाइपोटेनियस है तो सर वो ऊपर हाइपोटेनियस जगह में जाए, आपने उसको ये हाइपोटेनियस होता है क्या? ये हाइपोटेनियस है सर, वो तो बोलो सर, ये बेस से तो 13 बेस में आएगा सर, 13 बेस में आएगा। ओके ठीक है। और बोलो नंबर 10 एक्सरसाइज 1 का, वन का नंबर 10। हाँ सर वो मेरा भी डाउट है। और देखो ये अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज 1 का नंबर 10 देखो, बोला था राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। ये क्वेश्चन का मतलब मुझको समझ नहीं आया। The round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. ठीक है। बताना है height of the center of the balloon is. अगर ये है पूरा balloon अपना, ये center है इसका, रेडियस आर दिया हुआ है, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर सपोज तो यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ है, यहाँ कहीं पर ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो दिस सबटेंड्स the balloon subtends an angle alpha in the eye of the observer, pura balloon ka jo radial rays honge na yahan se tangential jisko bolte hain, ye jo hai na ye pura yahan par observer hai, is par angle subtend kar raha hai alpha pura angle, and the angle of elevation of its center is beta, height of the center of the balloon kya hoga, theek hai, इसका एलिवेशन का मतलब होता है यहां से लेके ये सेंटर का एलिवेशन जो है वो बीटा है, मतलब कि अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं नीचे तो ये एंगल बीटा दिया हुआ है, पूरा एंगल ये पूरा एंगल ना ये आपको बीटा दिया हुआ है, एलिवेशन का मतलब ये होता है, अगर हम मैं बोलता हूँ इस पॉइंट का एलिवेशन क्या है, इस पॉइंट से इससे इसका एलिवेशन क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ये लाइन ज्वाइन करती है, अल्फा इज द एलिवेशन, कितना इंक्लाइंड है बेसिकली उसी एलिवेशन बोला जाता है, तो सेंटर जो है ना सेंटर का इस ऑब्जर्वर से इंक्लिनेशन जो है ना एलिवेशन वो तुम्हारा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका आर है, ठीक है, ये आर है, रेडियस है, ये पूरा अल्फा है, तो सिमिट्री से क्या होगा, अल्फा बाय टू रेडियल है ना, ये आपका अल्फा बाय टू होगा, ये आपका अल्फा बाय टू होगा, नाम दे देते हैं ए, इसको बी नाम दे दिया, सी है, इसको एम नाम दे दिया, अभी देखो हमको हाइट निकालना है, बीसी क्या होगा, ठीक है कर डालते हैं, तो ये देखो एक बार ट्रायंगल सर वो अल्फा बाय टू क्यों होगा, हाफ हाफ होगा ना, सिमेट्रिकली है ना फेस, ये रेडियस है ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल तुम्हारे कॉन्गुएंट ट्रायंगल से ना बनो, ओके सर, अगर सेंटर से तुम बनाओगे तो और कोई रीजन नहीं ना उसको अलग अलग होने का, ये हमेशा एंगल सेम होगा, सिमेट्री है ना पूरी तरह से, देखो या तो ट्रायंगल ए एम सी में देखो, ट्रायंगल ए एम सी इस ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एंगल आपका जो बना हुआ है ये तुम्हारा है अल्फा बाय टू, ये तुम्हारा पता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन अप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ अल्फा बाय टू तो उसको परपेंडिकुलर सी एम बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है, सी एम का वैल्यू हमको मालूम है आर है, ए सी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ए सी का वैल्यू हो जाएगा आर बाय साइन अल्फा बाय टू, हो जाएगा आपका कोसेक अल्फा बाय टू,
देख लो एक बार, वो आपका हो जाएगा आर कोसेक अल्फा बाई टू। ठीक है, एसी का लेंथ हमको मिल गया है। अभी देखो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है ए बी सी, ए बी बी सी ये एंगल यहाँ पर 90 है। ए बी सी ट्रायंगल में देखो हमको ये हाइपोटेन्यूज मालूम है, ये हमको निकालना। फिर से मैं साइन अप्लाई कर रहा हूँ, साइन ये पूरा एंगल कितना है बीटा, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। यहाँ से बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए सी साइन बीटा। ए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, आर कोसेक अल्फा इंटू साइन बीटा। बी सी उसने हाइट बोला हुआ है, उसने क्या पूछा, यही पूछा था क्या? हो गया आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय टू। देखो प्रॉब्लम कुछ है तो बोलो फिर मैं बताता हूँ। सर मित्र ठीक है? हाँ सर। सर एक्सरसाइज वन में थ्री का सिक्स कर दूँ? एक्सरसाइज वन में थ्री का सिक्स, एक्सरसाइज वन में थ्री का सिक्स इवेलुएट करना है। तो साइन ट्वेंटी साइन थर्टी और सिक्सटी नाइन। अच्छा वो उसमें लिखा हुआ है यार, रेडियन में डिग्री और मिनट में लिखा हुआ है। एक मिनट का मतलब ये मिनट लिखा हुआ है, ठीक है ना? एक मिनट जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। समझे? हाँ सर। सर आपने उल्टा लिखा है। उल्टा लिखा है, 60 मिनट जो होता है वो एक डिग्री होता है, यही होता है ना? क्या होता है यार, एक मिनट होता है ये दूर तो कभी होता नहीं है सर। 60 मिनट 1 डिग्री होगा क्योंकि इसके बाद साइन 20.5 डिग्री हो जाएगा और कॉस 69.5 डिग्री हो जाएगा। सर दोनों को ऐड करने से तो 90 डिग्री आएगा। वही 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 60 मिनट ही होता है तुम्हारा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट होता है, ऐड करने से तुम्हारा उतना मिलेगा। ये आपका होता है 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट आपका हो जाएगा 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री। और ठीक है तो अपने पास हो जाएगा 20 मिनट 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा कितना एंगल हो जाएगा ये वाला, आपको डिग्री में रखते हैं आपका 30 मिनट तुम्हारे पास है 1 तो हो जाएगा तुम्हारा 22 बाई टू कितना डिग्री आएगा तो? और 69 प्लस 1/2 कैंसिलेशन होना चाहिए। अब ठीक है देखते हैं, ये लिखा है आपका 20 प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है ना? और बॉटम लिखा है कॉस ऑफ 69 डिग्री प्लस 30 मिनट लग रहा है 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री। ठीक है तो ऊपर आपका हो गया 41/2 डिग्री, नीचे आपका लिखा है कॉस ऑफ
सब्ट्रैक्ट करने पर बन जाएगा 97 ठीक है। तो 139/2 degree ठीक है। 90-41/2 कितना होगा, 90-41/2 करेंगे 180-41/2 139 ठीक है। ऊपर वाले को मैं लिख दिया साइन 90, इसको 41/2 लिखा, 90-139/2 लिखा हुआ है। और बॉटम लिखा है कॉस ऑफ 139 degree/2 साइन 90-थीटा आपका होता है कॉस थीटा, साइन 90-थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 139/2 degree और नीचे भी आपके पास कॉस 139/2 कैंसिल होकर बंद हो गया। और बोलो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 का 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन नंबर 8 का 10th नंबर देखो cos 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए बाई ये वाला हाँ सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए कॉस कॉस कैंसिल होगा साइन स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है और बोलो सर क्वेश्चन 4 part 2 इन एक्सरसाइज 1 एक सेकंड हाँ अभी बोलो कौन सा क्वेश्चन 4 part 2 एक्सरसाइज 1 हाँ सर फोर का टू क्या है सब तो वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले cot 40 बाई tan 50 माइनस 1/2 और 35 बाई साइन 55 तो cot 40 का मतलब क्या है 90-50 ना सर ये cos 35 होगा हाँ सर वो पता हाँ सर ये वाला ना हाँ ये cos होगा ठीक है माइनस 1/2 ये आपको लिखा है cos ऑफ 90-55/sin55 और बोलो सर 4 का 2 सर क्वेश्चन 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 2 एक मिनट आराम एक ही करके 4 का 2 तो मैंने कर दिया एक्सरसाइज 2 करना क्या ओ अच्छा हाँ ठीक है सर मैं एक सेकंड देखा नहीं सर सर क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 से नंबर 18 आई आल्सो पुट इनटू 19 20 एंड 21 तो सब एक जैसे ही है तुम देखो एक बार समझ में आ जाएगा यही देखो मालूम चल जाएगा क्या एक्सरसाइज 2 का 18 नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए by 1 minus sin a तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में एंगल को आप जब चाहो छोटा कर सकते हो हाफ कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला था कि sin square theta plus cos square theta तुम्हारे पास होता है 1 ये तो आइडेंटिटी है ना थीटा को आप जो चाहे एंगल बिठा सकते हो अब हर एक एंगल को हाफ कर दो तो क्या होगा sin square theta by 2
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू वन रहेगा तब भी एंगल तो कुछ भी रखो है ना। हमारे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल को आप हाफ कर दो पूरे आइडेंटिटी में, पूरे फॉर्मूले में हर एक एंगल को हाफ करो तो टू थीटा का हाफ करने पर क्या होगा, साइन थीटा। टू साइन इसका हाफ क्या होगा, थीटा बाय टू। इसका हाफ क्या होगा, थीटा बाय टू। ये सब मैंने बताया था लास्ट क्लास में। आप एंगल को जितना चाहो आप ब्रेक कर सकते हो, इक्वली ब्रेक करना होता है। अगर हाफ कर रहे हो तो आप हर एंगल को हाफ करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार देखो सारे सम सही हैं। वन को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय टू प्लस साइन ए को मैं लिखा टू साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू डिवाइड बाय बॉटम में सेम चीज किया, वन को लिखा साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस साइन ए को लिखा टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। ऊपर तुम्हारा देखो ध्यान से क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन ए बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू का स्क्वायर लिखा हुआ है। ओपन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखा हुआ है, बॉटम आपका लिखा लिखा हुआ है साइन ए बाय टू माइनस कॉस ए बाय टू का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऊपर क्या हो जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो बचेगा साइन ए बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू साइन ए बाय टू माइनस कॉस ए बाय टू। आंसर में और सिंपलीफाई किया या फिर इतना ही दिया है, क्या दिया आंसर में? आंसर में sec a प्लस tan a है। ठीक है, आंसर में क्या दिया, sec a प्लस tan a। यस सर। मैंने इसको tan a ऊपर आपका a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले की जरूरत नीचे खोलने की जरूरत नहीं थी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन प्लस साइन ए हो जाएगा, उसने वही रखा है। बॉटम में साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू आपका हो जाएगा कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है, सब मैंने बताया है तुम लोगों को भाई। कॉस टू ए होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। एंगल को हाफ करोगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। बॉटम में साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू बन रहा, तो माइनस ऑफ कॉस ए हो जाएगा। ऊपर डिवाइड करेंगे तो वन बाई कॉस ए आपका सेक ए साइन ए बाई, कैसा आंसर दिया है, सेक ए माइनस टेन ए माइनस सेक ए सर, सेक ए माइनस टेन सर माइनस से नहीं होगा। बॉटम में तो माइनस रहेगा सर, मैंने जैसे किया उसमें तो माइनस नहीं आया सर, मैंने वन प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सर, वैसे तो माइनस नहीं आया। नहीं यहाँ पर तो तुमको अभी नहीं पता इसके बाद क्या कहानी, यहाँ से तो पहले चीज है, यहाँ से इस स्टेप से ये स्टेप लिखना सही नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से नंबर तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए। जब तक वो एंगल नहीं बताएगा कि a बाई टू का रेंज कैसा है करके, यहाँ से ये स्टेप आप नहीं लिख सकते हो। मैंने लिख दिया अभी तक क्वेश्चन में दिया नहीं करके, आगे जाओगे तो मालूम चलेगा कि इस स्टेप से ये स्टेप लिखना नहीं, आप रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर तो आप x नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ये साइड पॉजिटिव है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये साइड पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर मॉड देना पड़ता है। अगर रूट ओवर ऑफ ऐसे मतलब है, रूट ओवर ऑफ अगर टू का स्क्वायर है तुम फोर निकाले ठीक है, रूट ओवर ऑफ माइनस टू का स्क्वायर है तो आप क्या निकालोगे, तो गलत हो जाएगा। तो जो राइट साइड निकल के आएगा वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पर उसने एंगल के बारे में कुछ दिया नहीं करके ना, इसलिए यहाँ पर ये चीज दिखना सही नहीं रहेगा। तो इस स्टेप से इसीलिए ये बेसिकली केवल एक ही वैल्यू नहीं रहेगी, इसके और भी वैल्यूज आएंगे डिपेंडिंग ऑन
ए बाय टू का रेंज कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। इस वजह से तुम इस तरह से ना ही करो करके, नहीं तो तुम क्लियर करने के चक्कर में ना कंफ्यूज ही हो जाओगे। यहाँ पर तो भाई करो रैशनलाइज कर दो स्टार्टिंग में ही अंदर, दो चार फॉर्मूले तुम और जान लो, बट तुम्हें मालूम करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज होती है। वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बॉटम में वन माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपका हो गया है वन प्लस साइन है वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन स्क्वायर है विच इज कॉस स्क्वायर है। अब यहां से तुम जो निकाल रहे हो ना वो निकालना ठीक नहीं है, इसको जब तुम ऐसे लिख देते हो ना दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। इस स्टेप से आप इस स्टेप पे डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, बट ठीक है अभी तुम्हारे लेवल पे उतना नहीं जरूरत है। ये आएगा सर वन प्लस साइन ए के साथ हम वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे ना। यार क्या चल रहा है, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, बॉटम है वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, ऊपर आपका हो जाएगा वन प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, बॉटम हो जाएगा वन माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, वन माइनस साइन स्क्वायर है विच इज कॉस स्क्वायर है, हो जाएगा कॉस है, तो वन बाय कॉस है आपका है सेक ए प्लस साइन बाय कॉस आपका है टेन। ठीक है अभी के तुम याद रखो करके, बट आगे जाके तुमको हम बताएंगे कि वो उसके कितना कलर। और बताओ जल्दी बोलो फटाफट, स्वप्निल ठीक है? का 16 हां हां सर, लेवल 2 का 16 एक्सरसाइज 2 का 16 देखो, बोला 3 sin x प्लस 5 cos x इक्वल्स टू 5 बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos x माइनस 5 sin x का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलो बोलो क्या करोगे, रायन बोलो बेटा। रायन आवाज नहीं आती यार तुम्हारी तो, चलो ठीक है सर मैं बताऊं। हाँ बोलो बेटा क्या कर रहा हूँ। सर मैंने पहले जो दिया है उसका होल स्क्वायर किया और वहां से सर सॉल्व करने के बाद tan x = 15/8 उसके बाद मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड करके आपका वो इक्वेशन फिर सॉल्व किया और 9 आ रहा है। देखो दो तीन वेज हैं, एक तो है कि इस वाले को आप स्क्वायर कर दो वहां से तुमको वैल्यू मिलेगी, उससे हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग। देखो जरा अपने पास जो गिवन है, अपने पास गिवन है एक तरीका, वो तुम्हारे पास है वो भी मैं दिखा देता हूँ। प्लस 5 कॉसेस है अपने पास, इसको मैंने पी अज्यूम कर लिया, 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स को मैं पी लिया, हमको पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना ठीक है ना। इसको 1 दिया नाम, इसको 2 दिया, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो, 5 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इधर आपका हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 30 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 30 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। हेलो सर मैं आपसे कल मॉर्निंग बात करूंगा, मुझे कॉल करना।
ये हो गया है 25 प्लस 30 को ये तुम्हारा 9 sin square plus 9 cos square करोगे तो 9 कॉमन लो sin square plus cos square 1 हो गया 25 cos square plus 25 sin square आपको हो जाएगा 25 ये तुमको हो गया 36 या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो तो p square का वैल्यू कितना आएगा 9 है ये देखा एक बार अब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तुमको वैल्यू मिल जाएगी जो तुमको चाहिए और या फिर वो जो बता रहा है वो काम कर सकते हो उसमें ये है थ्री साइन एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स का वैल्यू दिया है 5 आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 30 साइन एक्स कॉस एक्स ये आपका है 25 देखो एक बार यहां से डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो तुम टेन की जरूरत नहीं पड़ेगी साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 25 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 30 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 25 यहाँ से क्या मिलेगा 9 प्लस 25 माइनस 9 कॉस माइनस कॉमन ले लिया मैं 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 25 तो जाएगा प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 30 साइन एक्स कॉस एक्स देखो एक बार 25 कैंसिल हो जाएगा 9 इक्वल्स टू ये क्या लिखा है ये लिखा है आपका 3 cos x माइनस 5 sin x का होल स्क्वायर सिद्धांत देखो बेटा ठीक है हाँ सर तो बहुत से वेज हैं जो भी रास्ता लेके निकल पड़ो हो जाएगा और एक और रास्ता है जो वो बोल रहा था यहाँ से स्क्वायर करके आप tan x का वैल्यू निकालो करके sin x cos x करके फिर आप ट्रायंगल बना के उसके बाद में वैल्यू निकाल सकते विभोर ठीक है यस सर श्री हाँ सर देखो तो बहुत से वेज हैं जब तुम्हारा जैसा जिसका मूड करे वैसे कर लो आंसर हमेशा आ जाता है इस समय बस टाइम सेव करना है वही इंपॉर्टेंट है चलो और बोल दो अनितेश समझ रहे बेटा तुम हाँ सर और बोलो एक्सरसाइज टू में जो 18 की मैंने कर दिया 19 20 21 सब के सब सेम है अंदर जाके रैशनलाइज कर दो हो जाएगा काम और बोलो कुछ है नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर हाँ सर आपने लास्ट लाइन लिखा है यहाँ पर 25 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 25 ये तो 34 हो गया इस स्टेप में नहीं सर 20 जो लेफ्ट साइड में नीचे लिखा है ये 34 होगा 9 प्लस 25 इक्वल टू 34 होगा क्या होगा सर वो 36 की जगह 34 होगा कह रहा है अच्छा और कुछ है बोल लो एक बार सब हो गया तो अच्छी बात है सर वो लास्ट दो सम करिए देंगे वो 27 और 28
27, 28 कहाँ है यार? अच्छा एक्सरसाइज टू में है 27, 28 और देखते हैं सर 27 का मैंने एक एक ऑप्शन चेक कर करके किया है सर मैं फर्स्ट ट्राई में हो गया था 27 हाँ सर वो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है मेरा भी क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग यार ऑप्शंस कैसे दिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऑप्शन ए तो सर स्फीयर का इक्वेशन हाँ सर बहुत क्लियर दिख रहा है यार इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है कॉमन मिलेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर भी वन हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस और स्क्वायर कॉस स्क्वायर है करोगे तो आर स्क्वायर बचेगा ऑप्शन ए होना चाहिए और क्या है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम देखो तुमको दिख रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉमन अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी ये आपका होता है वन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है अब दिख रहा है इसका स्क्वायर करके ऐड करने पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा तो जेड स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हाँ सर समझ गया ये करना था ट्वेंटी एट नंबर में क्या है कॉट 15 कॉट 16 कॉट 17 अच्छी बात है कॉट 73 और 74 और 75 ठीक है कॉट 15 कॉट 16 कॉट 17 होते होते कॉट 44 आएगा फिर कॉट 45 आएगा फिर कॉट 46 आएगा होते होते कॉट 73 है कॉट 74 है कॉट 75 है इसको कन्वर्ट कर लो क्या कॉट 73 का मतलब क्या है इसका मतलब है कॉट 90 माइनस 17 इसका मतलब क्या है 74 इसका मैं 90 माइनस 16 इसको लो कॉट ऑफ 90 माइनस 15 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है ये क्या लिखा हुआ ये लिखा है कॉट ऑफ 90 माइनस 44 ये क्या हो गया tan 44 ये क्या हो गया tan 17 tan 16 tan 15 जिनको मल्टीप्लाई करोगे तुम तो सब तो कैंसिल हो जाएंगे ना cot 15 के साथ में लिखो tan 15 ये काम खत्म हो गया इसका cot 16 के साथ में लिखो tan 16 cot 17 के साथ लिखो tan 17 ऐसे होते होते हमारे पास हो जाएगा cot 44 के साथ में tan 44 है एक बचेगा तुम्हारे पास cot 45 क्या हुआ ये सब तो कटम पिटम होके वन हो जाएंगे ना देखो ठीक है यार ये सब बेसिक सीखना पड़ेगा तुम लोगों को यार
देखो मैंने शीट फॉरवर्ड किया है ग्रुप में, जल्दी करो फटाफट सब लोग। सर ये क्या एग्जाम है? हाँ नहीं एग्जाम नहीं है, तुम ऐसे ही करो फटाफट मुझे आंसर दो, यहाँ पर भेजते रहो चैट में, बस जैसे जैसे आंसर होता है तुम्हारा चैट में लिखते रहो। तो सबसे रिप्लाई चाहिए, अपने पास 30 मिनट्स हैं। सर सिर्फ ऑप्शन भेजेंगे ना, बस ऑप्शन 1A 2B 3C ऐसे टाइप करना बस। रूपम बस तुम ऑप्शन लिखते रहो ना, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत क्या है यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बस ऑप्शन टाइप कर दो।
सर इधर क्या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है? तुम चेक करो होना तो नहीं चाहिए, ये तो सकता है सर। 5 का मल्टीपल ऑप्शन 5 में सर, नंबर 5 में तो सी और डी है, एक में हो सकता है करता, एक ही सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है। हां सर सेम ऑप्शन, तो ऑप्शन ही सेम दिया सर, क्या कर सकते हो। तो ऑप्शन ही सेम है, जल्दी करो भाई, तुम्हारे पास 7.5 मिनट और हैं बस। ये तो बेसिक शीट है, इसमें कहाँ डिफिकल्ट कुछ है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इसमें कई सारे क्वेश्चंस तो मैंने क्लास में कराए हैं, उसमें शीट में दिए हुए थे ऑलरेडी, कहाँ टाइम तुम लोग लगा रहे हो। स्वप्निल हो रहा है तो? हाँ सर। चलो ठीक है जल्दी करो। क्षितिज बेटा? हाँ सर। ठीक करते रहो फटाफट, जो ना हो छोड़ दो, बाद में हम कर देंगे, बट जल्दी लिखो, जितना मैक्सिमम कवर कर लो उतना अच्छा है। सर आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हो सब तुम स्किप कर सकते हो, तुम डॉस करो प्रॉब्लम नहीं, पर मैक्सिमाइज करो। कम से कम कितने क्वेश्चन है मेरे पास, 28 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो टोटल। सर हाँ, 26 वाला क्वेश्चन और 9 वाला क्वेश्चन सेम है, पर 26 मेरा आंसर 2 आ रहा है, पर उसमें ऑप्शन नहीं है, पर 9 में ऑप्शन है। 26 नंबर और कौन सा बता रहा है सर? 26 और 9, 1 plus tan sec 1 plus cot minus, अच्छा है तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है सर? 2। तो ठीक है सेम ही हो गया, गलत दिया हुआ है ऑप्शंस में, कुछ मिस्टेक है, एक ही ऑप्शन आएगा। स्पीड बढ़ाओ फटाफट, सिद्धांत। हाँ सर। हाँ स्पीड बढ़ाओ स्पीड। हाँ ट्वेंटी सिक्स में ऑप्शंस रॉन्ग है, उसको रहने दो। 0-1-0-1-1-1 दिए ना, 0-1 में ऑप्शन 2 होना चाहिए, वही राइट हो जाएगा। ठीक करते रहो।
सरदीप हो गया है सब? सर हो रहा है। देवांशु? यस सर। हो रहा है? सन्मित्र? हाँ सर। हो रहा बेटा? हाँ सर। जल्दी करो भाई, तुम लोग 5 मिनट और दे दो।
बोलो भाई, हम भी कुछ करें यार, तुम लोगों से नहीं हो पा रहा, इतना टाइम थोड़ा लगता है, कैसे जाओगे आईआईटी? चलो बोलो, कोई सम है ऐसा क्या जो नहीं हो पाया ऑन द वे, हम कर देते हैं। अद्रजा अबू हो गया सब? सर 20 हुआ, 20 सम्स। तो जितना किया सब हो गया ना? हाँ सर वो। सर फाइव में डाउट था। सर आप फाइव और सिक्स थोड़ा सॉल्व कर देंगे? नंबर फाइव और सिक्स अभी देख लेते हैं। नंबर फाइव और सिक्स sec 4 a minus sec square x लिखें। sec square a common ले लो आप, sec square a minus 1, sec square a minus 1 क्या होगा, 10 square a, ये sec square a क्या लिखो, इसको लिखो 1 plus 10 square a into 10 square a, ओपन कर दो, टेन स्क्वायर है प्लस टेन टू की पावर फोर। सर नंबर वन टू और नाइन कर देंगे। सर नंबर सिक्स भी दिखाया था, नंबर सिक्स भी से ऐसा ही है यार। सर इलेवन कर देंगे, टेन के फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में है, कॉस पावर फोर है माइनस साइन टू की पावर फोर है, इसको लिखो cos square a minus sin square a into cos square a plus sin square a। कहीं किसी स्टेप में कोई डाउट होता है तुरंत बोलो, ये तो आपका वन हो गया, ये आपका होता है cos 2a, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले सबको याद रहेंगे तो वो फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। cos 2a क्या होता है, 2 cos square a minus 1, ऑप्शन बी। और बोलो सर नंबर 11। सर मेरा 1 2 और नंबर 9। 1 2 एक ही जैसा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, तो हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है ना, 1 होता है, sec प्लस tan का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा आपका, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 1/2x, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको मिलेगा इसको इसको, तुमको मिलेगा 2 tan थीटा x माइनस 1/x, यहां से tan थीटा आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1/2x। अब नेक्स्ट वीक में टेस्ट लूंगा मैं, देखूं तो तुम लोग क्या पढ़ते हो, घर पे क्या प्रैक्टिस करते हो, तो डाउट होने लगा अभी तो। सर नंबर 8 नंबर 9 देखो एक बार, बहुत प्रैक्टिस करा दिया मैंने, 1 plus cot theta minus cosec theta times 1 plus tan theta plus sec theta, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज भी आंसर निकाल सकते हो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और क्या। वन प्लस
cot 1 plus cot minus cosec 1 plus tan plus sec ठीक है sin cos में कर लो cos theta by sin minus 1 by sin theta ये आपका है 1 plus sin theta by cos theta plus 1 by cos theta आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन नीचे आपका रहेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी नीचे एलसीएम लिया यहाँ पर है साइन थीटा एलसीएम लिया वहां पर कॉस थीटा लिया हो गया ऊपर आपका बना लो ये चीज ए माइनस बी ए प्लस बी साइन प्लस कॉस माइनस वन साइन प्लस कॉस प्लस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन प्लस कॉस का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय साइन थीटा कॉस थीटा ओपन कर दो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है आपका वन वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा बचेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा देखो बिफोर बेटा ठीक है सर नंबर एट एक बार दिख लो नंबर एट भी देख लो यार नंबर एट है अपने पास साइन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा साइन बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या है ठीक है एलसीएम ले लेते हैं बॉटम में आपका लिखा है वन माइनस वन बाई टेन थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई टेन थीटा माइनस वन ये टेन थीटा आपको ऊपर जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा बॉटम आपका हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा बाई टेन थीटा माइनस वन ऐसे ही कर लो यार इजी सवाल टाइम टू वेस्ट करें साइन थीटा बाई कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये आपका लिखा है कॉस थीटा स्क्रीन थोड़ा हेजी हो गया हाँ सर रीज्वाइन कर लो यार नेटवर्क सिग्नल वीक हो सकता है मेरा भी मौसम खराब है ना आजकल साइन थीटा ऊपर जाएगा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम दिया करो बस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बॉटम में अपने पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बताओ सर नंबर सेवन एक बार दिखा सकते हैं
sin theta by 1 plus cos theta का पता नहीं क्या है वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन सी स्वप्निल क्या कर रहे हो सर ये सम स्ट्राइक स्वत्रो हाँ सर हो रहा है सर चलो फटाफट करो सर आप 11 कर सकते 11
सी बेटा कितना हुआ? सर मैं 16 नंबर ट्राई कर रही हूं। अब्दियाली कौन सा नंबर कर रहे हो? 15 वाला। संगीता? हाँ सर मैं 15 कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और कुछ करना है मेरे लायक है तो बोलो मैं करूँ। सर मैंने 14 भी नहीं कर पाया था। सर 11 और 14 सर, 11 और 14 आप भी 15 वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 14 सर, एक दो सम और करूंगा बस हो गया। ऐसे एक एक करके सब चीज पूछना है सर। आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसको होता है कन्वर्ट? कॉस करते हैं, कॉस पर। ओके सर। 11 नंबर दो क्या है? 11 नंबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस साइन थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। cosec होता है आपका 1 by sin थीटा माइनस साइन थीटा, या आपका 1 by cos थीटा माइनस cos थीटा, या आपका है साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन, या आपका लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, या आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, बॉटम साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सब कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1। देखो ऐसे ही करना है तुमको सारे भाई प्रैक्टिस। नंबर 12 थोड़ा दिखा देंगे? सर नंबर 12 थोड़ा दिखा देंगे? x equals to a cos a sec theta a cos theta, y equals to b sin theta, तो बोला b square x square plus a square y square का वैल्यू क्या होगा? b square x square ठीक है plus a square y square का वैल्यू क्या होगा? देखते हैं यहाँ पर x square a square cos square theta होगा, y square क्या होगा? b square sin square theta। तो यहाँ प्लेस कर दिया करो तो क्या, देखो a square b square कॉमन ले लिया, cos का थीटा प्लस sin का थीटा, देखो
सर चलो भाई मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, जो तुम्हारा डाउट्स बचा सारे अटेम्प्ट कर लो, मुझे बताना मैं कर दूंगा। हाँ बोलो। 14 थोड़ा कर देंगे लास्ट क्वेश्चन। 14 बस मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं नहीं करने वाला हूँ। घर पे थोड़ा अटेम्प्ट करो अच्छे से, तुम लोग फॉर्म में सारे मगअप करो यार, तभी तो होगा। और ठीक है भाई।
cot theta minus cot theta. सर ये 14 वाला क्या शीट का है? पता नहीं मैं तो याद नहीं. tan theta minus tan theta. बोलो रूपम क्या किया? सर cot theta को cos by sin theta में फ्लिप कर दी. मैं cot को 1 by tan theta लिख रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है. तो नीचे आपका हो जाएगा tan 3 theta minus tan theta. ऊपर आपका हो जाएगा tan 3 theta. सर मैंने जस्ट थीटा 45 लिखकर हो गया. बट स्कूल में उससे मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा, है ना? हाँ सर, स्पीड के लिए आज कर सकते. एग्जाम में तो कर सकते हो मार्क्स, हमको एग्जाम उठाना कर सकते हो. बट स्कूल में जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव करना होता है ना, वहाँ पर नहीं होता. सर मैंने कॉट सर कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा. हाँ सर मैंने भी वैसे किया और सर एक्सपेंड कर दिया और फिर सॉल्व किया. ऐसा हो गया बस. अब क्या ऊपर आपका हो गया, सबको तो हो ही गया. इसमें क्या आंसर वन है? हाँ सर. हाँ सर हो गया. फिर उस पे से sin थीटा cos थीटा minus cos थीटा sin थीटा से sin 2a का फॉर्मूला में बैठा दिया फिर वाला. अरे करना ही नहीं है, देखो ना खत्म हो गया. मैं तो सॉल्व ही नहीं किया इसको, बस cot को tan कर दिया. कुछ करना कहां पड़ा, जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है, खत्म कहानी. सर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या ऑप्शन रॉन्ग है क्या? माइनस नंबर 9 वाला था ना, वही है नंबर आंसर 2 आएगा उसमें. 26 में आंसर 2 आएगा और नहीं दिया ऑप्शन सी को. 22 कर सकते हो. देखो इजी रखो सम को बस. और प्रैक्टिस कर लो इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंस है यार आगे भी. सारे फॉर्मूले के अच्छे से प्रैक्टिस करो. जो सब मल्टीपल एंगल है हाफ एंगल है ना, वो सब अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो. टाइम और दो, अभी भी वो फ्लो नहीं आ रहा यार. गुरजोत ठीक है बेटा? सर मैं पढ़ी. चलो ठीक है.